अभी हम लोग जब सुन रहे थे ओम का वाइब्रेशन, ये है क्या? ये प्रभु के अतिरिक्त तो और कुछ भी नहीं है। इसी को भगवान कहते हैं, इसी को परब्रह्म कहते हैं। ये सब जो अलग अलग नाम लिए जाते हैं, इसका अर्थ एक ही है, परम ब्रह्म। ब्रह्म और परम ब्रह्म में अंतर क्या है? ब्रह्मा विष्णु शिव का नाम जानते हैं, इसके अलावा भी कोई ब्रह्म है उसको परम ब्रह्म कहते हैं, जिसको ऑमनी प्रेजेंट क्रिएटर कहते हैं। ये परब्रह्म सब क्रिएशन के रूप में प्रकट हो रहे हैं, जैसे समुद्र लहर के रूप में। तो ये जो क्रिएशंस है, ये जो रचनाएं हैं, इनको ये नहीं पता है कि परब्रह्म कौन है। यही सभी दुख का कारण है। अगर हमें न पता हो परब्रह्म कहाँ है, समस्त दुखों के ही कारण है। दुख होता नहीं है, बीमारी तनाव चिंताएं होता नहीं है, न जन्म है न मृत्यु है, कुछ भी नहीं है। लेकिन लगता है, क्यों लगता है? क्योंकि जो भगवान है परब्रह्म है, और ये जो हम हैं इसके बीच में दूरी है। इस दूरी को कैसे खत्म करें? चलिए, समुद्र है, उसकी लहर है, लहर उठ रही है, आवाजें हो रही हैं लहर में, और एक वेव चल रही है। चलो, हमें समुद्र से मिलना है, तो लहर की आवाज़ को पकड़ लीजिए। लहर की आवाज़ समुद्र में ही विलीन होती है। ऐसे कान बंद करके जो सुनते हैं, उसको अच्छी तरह से सुनते रहिए, और उसी के साथ साथ दाहिना पैर बायां पैर, दाहिना हाथ बायां हाथ, दाहिनी पीठ बाईं पीठ, पेट सीना गला चेहरा सिर, सब अनुभव करते रहिए। कान बंद करके जो सुनते हैं, सुनते हुए अनुभव करिए। अभ्यास करते करते एक समय ऐसा आएगा जब सिर और रीढ़ में, सिर से पैर के अंगुली तक, इसमें एकाग्रता बढ़ाएंगे तो आवाज़ अपने आप सुनाई पड़ती है। जिसको सुनते हुए हम एकाग्र हो जाएं, पैर में, हाथ में, पीठ में, पेट में, सीना में, गले में, चेहरा में, सिर में, तो जितने भी ये क्रिएशन है, ये जिसे हम हड्डी कहते हैं, मांसपेशियां कहते हैं, त्वचा कहते हैं, कोशिकाएं, अणु परमाणु, कुछ भी नाम दे लीजिए, यह सबके सबके दिशा हो जाती है परब्रह्म की ओर। जब तक यात्रा चलती रहेगी तब तक बीमारी नहीं है, न कोई कष्ट है, न दुख है, न कोई समस्या है। जैसे यात्रा बंद किया, वैसे बीमारी ऐसे निकल आएगी जैसे बरसात आने पर सूखी हुई घास हरी हो जाती है, या मच्छर मक्खी आ जाते हैं। तो करें क्या फिर? इसका अभ्यास तब तक करते रहिए, तब तक करते रहिए, बंद ना करिए। इतना सीख लीजिए, काम करते हुए करेंगे, आराम करते हुए करेंगे, कोई भी काम कर रहे हैं, खाने का, पीने का, गंध अनुभव करने का, देखने का, सुनने का, हर समय इस जो ध्वनि सुनाई पड़ती है इसके अभ्यास में बने रहिए। एक समय ऐसा आएगा, इतनी शक्ति आ जाएगी कि पता चलेगा हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। जब हम सब कुछ क्रिएट करने लगते हैं, सब निर्माण करने लगते हैं, फिर वहां पर मौन हो जाते हैं। उसमें अभिव्यक्ति मना है कि हमने ये बनाया कि वो बनाया, ये सब मना है। अगर उसको बता दे हमने बनाया, तो ये नियम है कि उसी समय दूरी हो जाती है। दूरी होते ही ज्ञान विलुप्त हो जाता है। गीता में है ना कि हमने इस ज्ञान को सूर्य को दिया, सूर्य से मनु को गया, मनु से इच्छा को गया, फिर राजर्षियों को गया, फिर काल के प्रभाव से लुप्त हो गया। काल का प्रभाव क्या है? काल कहते हैं समय को। यहाँ से वहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, यानी कितनी दूरी है? दूरी और समय एक पर्याय है। जैसे काल की अनुभूति हुई, ज्ञान खत्म हुआ। किसी भी समय ज्ञान खत्म हो सकता है। तो हम लोग इस अभ्यास को करते रहे जो हम कराएंगे, और विश्वास रखिए, डरिए मत, इलनेस सिकनेस होती नहीं है। अभ्यास करते करते जब ज्ञान हो जाएगा, खाना पीना कैसे खाना चाहिए, हम कैसे देखें, कैसे सुने, कैसे गंध लें, कैसे पैरों से चलें, कैसे हाथ से काम करें, अभी तो सब सीखना है। अभी जो कुछ सीखे थे, माता पिता ने बताया, स्कूल में बताया, मित्रों ने बताया, वो सब गलत बताया। गलत क्यों बताया? क्योंकि ये द्वंद्वात्मक जीवन है। ये इसको पाताल लोग कहते हैं, इसमें सही बताने वाले लिमिटेड लोग हैं। इससे आप खूब मन लगा के अभ्यास करिए। अभी बैठ के हम कराएंगे, फिर लेट के कराएंगे,
फिर बैठ के कराएंगे, जितना बन पड़े करिए, उसी में अगर सो गए तो सो जाइए, नहीं सोए तो जगते रहिए, इस तरह से अभ्यास करिएगा। नाउ वी आर रेडी टू प्रैक्टिस बैप्टिज्म थ्रू द होली वाइब्रेशन ओम। हम लोग अभ्यास करने चल रहे हैं जो पवित्र स्पंदन है जिसे ओम कहते हैं, इसे बैप्टाइज कैसे हो। अब कान बंद करके हम अच्छी तरह से स्पंदन को सुनते हुए सिर से पैर की उंगली तक सब में एकाग्रता बढ़ाते जाए। हम कान बंद करके जो सुनते हैं ध्वनि तरंगों को सुनते हुए दाहिना पैर बायां पैर कड़ा ढीला करें, दाहिनी पीठ बाई पीठ, पेट थोड़ा अंदर सीना थोड़ा बाहर, ठुड्डी जमीन के समानांतर भ्रूमध्य पर एकाग्रता बढ़ाएं। कान बंद करके उन पवित्र स्पंदन को सुनते हुए जो अनेक ध्वनि तरंगों के रूप में है, यही स्पंदन है जिसको सुनते हुए हमारी यात्रा होती है उस तरफ जहाँ जाने पर पता चलता है कि सच्चा यही है कि परब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है। वही पृथ्वी, सूरज, चांद, वही आसमान के रूप में, तारामंडल के रूप में, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव, सब रूपों में वही है। अभी हम सुन रहे हैं हम लोग, और जब अनुभव होगा ज्ञान का तो जो आनंद आता है उसको ब्लिस कहते हैं, परम आनंद, जिस आनंद में कोई आनंद की कमी नहीं होती है। इस अभ्यास में क्या हो रहा है, निरंतर अपने अंदर जो ज्ञान छिपा हुआ है, जो सुसुप्त है, वो जगने लगता है। दिस प्रैक्टिस अवेकन्स स्लीपिंग नॉलेज विद इन। 5 मिनट के लिए खूब एकाग्र हो जाए, कान बंद करके सुने।